दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं फोटो के अंदर जो क्रेन देख पा रहे हैं, ये है स्प्लेंडर प्लस की क्रेन है। तो दोस्तों, इसके प्रॉब्लम ये आ रहा था कि पूरी तरह से इंजन सीज हो चुका था, और ये जो देख पा रहे हैं इसका पिस्टन इस तरह से चिपक गया था पूरा। बड़ी मुश्किल से इसको निकाला दोस्तों, देखिए ये किस तरह से जाम हो रहा। अंदर से सही है कनेक्टिंग सेट, बट दोस्तों ऊपर से आप देख पा रहे हैं पिस्टन और जो पिस्टन पिन है इसका हीट हो गया, इतना चिपक चुका है कि दोस्तों पूरा इसका क्रेन जाम हो गया है। तो दोस्तों, अधिकतर ये जो प्रॉब्लम होता है गाड़ी में ऑयल ना होने की वजह से होता है। तो दोस्तों, आपको हमेशा अपनी बाइक का ख्याल रखना है, 2500 से 3000 के अंदर आपको ऑयल चेंज करवाते रहना है, चेक करते रहना। देखिए दोस्तों, ये हालत हो गई इस बाइक की, ठीक है। तो ये ऑयल ना होने की वजह, देखिए बिल्कुल भी हिल नहीं रहा दोस्तों, पूरी तरह से सीज हो गया था, ब्लॉक के अंदर पूरा चिपक गया था दोस्तों, बिल्कुल किक पूरी तरह से इसका जाम हो गया था। तो अभी मैंने इसको निकाला है, इसको रिपेयर करवाना है, इसका कनेक्टिंग सेट वगैरह और इसके जो बेयरिंग वगैरह सारे इसको मैंने चेंज करवाना है, और पूरे इंजन का इसका काम करना है, ठीक है। तो देखिए किस तरह से इसके स्क्रैच हो गए पूरे के, और ये दोस्तों गर्म होकर पूरा पिस्टन जो इसका पिन होता है वो पूरी तरह से हीट हो गया है, ठीक है। तो अक्सर ये प्रॉब्लम ऑयल ना होने की वजह से आता है। तो अगर आप अपने दोस्तों बाइक को आपकी अच्छी रखना चाहते हैं, स्मूथली चलाना चाहते हैं, तो अपनी बाइक का टाइम टू टाइम सर्विस शेड्यूल जो होता है उस हिसाब से अपनी बाइक का सर्विस करवाएं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।